हम सभी की तरफ से अपने भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हमारे साथ में रफीक भाई, हमारे खास दोस्त इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और पत्रकारिता करते करते आज रफीक भाई एक स्टेप आगे बढ़ गए और खुद का इन्होंने पेपर का लॉन्चिंग किया है। इस पेपर लॉन्चिंग की सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद रफीक भाई। इस पेपर लॉन्चिंग के मौके पर आप क्या अपनी भावना देखना चाहिए? क्या जो मैंने मेहनत किया उसकी कामें मिली वो उतना ही बोलना था। हम मैं चाहता हूँ कि हर कोई पत्रकार मतलब मेहनत करे आगे बढ़े, ये हमारी दुआ है। आप पिछले कुछ सालों से पत्रकारिता कर रहे हो, आपको क्या लगता है वैसे तालुका में खास करके पत्रकारिता करना कितना आसान है कितना मुश्किल है? क्या बताऊँ मैं, मुश्किल भी है और आसान भी है, बहुत मुश्किल है सर। क्योंकि हर कोई चीज टाइम पे होती नहीं है, ना कोई सुबह होती है। आज तक आप किसी और के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, खुद आप अपने एक पेपर शुरू कर रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी पहले से तीन साल बढ़ गई, तो आप क्या चाहेंगे, आपकी क्या समाज की आपकी क्या वजह रहेगा? संपादक बने हैं तो जनता की आवाज़ सरकार तक पूछने की हम भी कोशिश करेंगे, हम करते रहेंगे। हम लोग रफीक भाई से बात कर रहे हैं। रफीक भाई जो है एक कदम आगे बढ़कर आज संपादक, खुद एक पत्रकार के समाचार पत्र के मालिक बने। इनका ये पेपर आप देख सकते हो, मेमन फास्ट न्यूज़, इसका लॉन्चिंग हुआ है। और यही दुआ है कि इनका ये पेपर दिन रात तरक्की करे, आगे बढ़े। उनका जो मकसद है समाज की सेवा करना, उसमें कांड। आज के लिए इतना ही। और वही ख्याल में गणपति का एक तो पत्रकार था जो जिसके ख्याल आया और उसने प्रेस शुरू किया। अब अपना ये जो प्रेस शुरू किया मतलब अखबारों में या जो भी किताब में लिखना प्रेस शुरू हुआ, इसका मतलब जो किताबें लिखी जो भी कुछ अपने तीनों की किताबें उसको छपी हर बार उसको छप। और अभी तो जिससे लोगों का फायदा हो सकता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लोगों तक ये अवेयर करो कि भाई एजुकेशन कहाँ से सही मिल सकता है, हेल्थ के अंदर कहाँ पर हमको हॉस्पिटल्स का इंतजाम गवर्नमेंट की स्कीम में है, और जॉब के लिए ये आपके न्यूज़पेपर में अक्सर छापा करो या उसको प्रिंट किया करो। और यहाँ पर सारे पत्रकार मैक्सिमम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मैंने बताया है वही बात को एक बार छोटे अखबार में बोलता हूँ कि भाई किसने क्या इलीगल किया है, क्या नहीं, उसका एक डिपार्टमेंट है वो उसको देखेगा। अगर आपको ऐसा लगता है इलीगल है तो उसको इलीगल को उसकी सजा दिला के दिखाओ। मैंने नहीं देखा आज दिन तक के कोई भी किसी को सजा दिला के दिखाता है। एडजस्टमेंट का काम हो रहा है, ये अच्छी बात है, ये मेरा टॉपिक नहीं, इस पर बात कर लेगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्या? और जिस दिन है ना इसका माइक अधिकार का एंड हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ेगा कि उसका एंड क्या होता है। मैंने खालिद को अक्सर बोला हूँ, जिस दिन मेरे पास ऐसा मामला आएगा तो उसका एंड करके दिखाऊंगा कि एंड क्या होता है। तो ये सब नहीं छापा करो, अच्छी बात नहीं है या लोगों के फायदे के लिए काम करो। रफीक भाई मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं और ये मेहमान फैमिली से है, मेहमान जमात से है, और जो यहाँ पर हाजिर है वो भी उनका अखिल भारतीय जनता पार्टी का देता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया इसका शुक्रिया। प्रवक्ता दिवस मिस कृति इजाज़ सर इनका सत्कार करेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
करें।